हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज एक और नई वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। 3-4 दिन से यार आ नहीं पाया मैं, एक भी ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि छात्र संघ चुनाव नज़दीक थे। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा पिथौरागढ़ में, हमारे और जगहों में भी ना, अन्य जिलों में भी। तो उस वजह से मतलब मैं वीडियो डाल नहीं पाया। और आज मैं जानबूझ के समय निकाल के मैंने सोचा कि यार एक बार मैं अपने भाई लोगों से, सभी से, एक बार यूट्यूब फैमिली से, सबसे एक मैसेज आप लोगों में देना चाहता हूँ। पहले तो ये कहूँगा कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि भाई देखो, दिवाली नज़दीक आ रही है 1-2 दिन के अंतर्गत, और कल धनतेरस भी है। तो भाई पहले तो मेरे यूट्यूब परिवार से, मेरे पिथौरागढ़ जिले से और ये बाहर के लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई ऑनलाइन सामान मत मंगाना यार। भले ही आप दिवाली के बाद ऑनलाइन शॉपिंग जरूर करना, लेकिन देखो इस टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग मत करना। जितने भी हमारे पिथौरागढ़ जिले में जो दुकानदार बैठे हुए हैं, हमारे लोकल के जिन्होंने दुकानें लगाई हैं आप लोगों के भरोसे, तो उनका दिल नहीं तोड़ना है भाई। मैं अपने पिथौरागढ़ वालों से तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे पिथौरागढ़ से ही शॉपिंग करनी है। हर एक दुकानदार से आप लोगों ने सामान लेना है भाई ना। जो भी सामान ले रहा है वो दुकानों से ही ले यार भाई ना। देखो हमारे पिथौरागढ़ वालों का भी इससे मनोबल बढ़ेगा, है ना। आप लोगों के भरोसे, समस्त सम्मानित जनता के भरोसे उन्होंने हमारे पिथौरागढ़ की, उनके भरोसे देखो उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं किसी उम्मीद से। बहुत गरीब भी ऐसे उनमें लोग हैं जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है भाई कि आप लोग पिथौरागढ़ के दुकानों से ही सामान लें। ऑनलाइन शॉपिंग तो ज़िंदगी भर चलते रहेगी यार, है ना। तो अभी आप लोगों ने ध्यान देना है हमारे पिथौरागढ़ वासियों का। अन्य जिले वालों से भी मैं ये कहना चाहूँगा जो मुझे नहीं भी जानते हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा, ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने अपने ज़िले में अपने अपने दुकानदारों से शॉपिंग करें, ऑनलाइन शॉपिंग 3-4 दिन ना करें यार ना। और दूसरा आज पिथौरागढ़ दिखा दें आप लोगों को हमारा कि दिवाली की तैयारियाँ कितनी तगड़ी चल रही भाई ना। तो जल्दी दिखाते हैं आप लोगों को, मार्केट तरफ को जा ही रहा हूँ मैं, तो दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी बने रहिए मेरे साथ आशीष शर्मा ब्लॉग्स पे। तो भाई लोगों शाम हो चुकी है और हमारे बाजार में देखो आप कितनी भीड़ है भाई यार धनतेरस के दिन, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। पहले तो मैं आप लोगों को दिवाली की बधाइयाँ भी देना चाहूँगा और दूसरा शाम का माहौल देखो चालान हो रहे हैं भाई हमारे यहाँ आजकल। भाई देखो मेरे पिथौरागढ़ वालों से मैं सभी से कहना चाहूँगा, शाम हुई नहीं कि भैया देखो हर जगह पर दिवाली को देखिए माहौल किस तरीके का रहता है, कितनी सारी भीड़ रहती है। तो चालान वालान हो रहे हैं, तो आप लोग सावधान रहें, हेलमेट पहन के चलें और अपनी गाड़ी के ऊपर कोई आस ना आने दें। देखो भैया ड्यूटी है पुलिस वालों की भी, वो तो भैया अपनी ड्यूटी करेंगे ही, बट मेरा कहने का ये है कि आप लोग भी इस दिवाली में 3-4 दिन आप लोगों को बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, तो सतर्क रहें मेरे भाई लोगों। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि दिवाली की आप लोगों को फिर से अग्रिम शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। और बाकी अगर और भी कुछ नई चीज़ें आप लोगों को मैंने रिलेटेड मार्केट से रिलेटेड कुछ दिखाना है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, मैं कल को आप सबसे पहले मेरे आइडियल जो मेरे सब कुछ है उनको मैं दिवाली की बधाई देना चाहूँगा। और ऊपर से आप लोगों को भी दिवाली की बहुत सारी बधाइयाँ, धनतेरस की बहुत सारी बधाइयाँ पूरे मेरे उत्तराखंड को, पूरे मेरे यूट्यूब परिवार को। और आज मैं सबसे पहले अक्षय कुमार सर को बोलकर ये बधाई देने की के चक्कर में हम सिमलगेर बाजार पर, यहाँ पर जो तिराहा है मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग ये देखो ये लेके आ रहे हैं। कैलविन जी क्या क्या लेके आ रहे हैं? हम लोग ये हैं बॉम्ब, ये शॉर्ट लेके आ रहे हैं और गाड़ी के अंदर भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। गाड़ी के अंदर तमाम अंटे संटे पटाखे पड़े हैं, कितने पड़े हैं देखो ये मेरे भाई, इतने देखो इतने पटाखे लेके आ रहा हूँ मैं, सिर्फ अक्षय कुमार सर के बर्थडे फोड़ने के लिए, ठीक है। इतने पटाखे हम लोग भर भर के दे रहे हैं, कम से कम इनके इतने फंट शंट ले दिए मेरे भाई। और उसके बाद दो ताकि शहर को पता भी तो चलना चाहिए ना यार कि दिवाली है। तो हम लोग अभी देखो ये मुर्गा छाप, बड़ा वाला मुर्गा छाप, और ये 12 राउंड का शॉट जो है वो सिमलगेर बाजार में फोड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो अगेन
दिवाली की बहुत बहुत बधाई है मेरे भाई। तो चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं नज़ारा, कैसे एक्सपेक्टेशन रहते हैं, मतलब कैसे वो रहते हैं, मतलब ना लोगों के रिएक्शन वो दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। बनाओ तो ये मारती भी किसी काम की नहीं रही। तो मेरे भाइयों देखा आप लोगों ने सभी ने, मतलब दिवाली की पहले तो आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं बधाइयां, और अक्षय कुमार सर मैंने आपके लिए मतलब सबसे पहले तो ये सेलिब्रेशन यहाँ पे किया बीच सिमलगर पे, एंड देन मतलब मेरे सभी मतलब पिथौरागढ़ वासियों को, उत्तराखंड वासियों को दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ शुभकामनाएं। और बाकी मैं तो ये कहूँगा कि मतलब भाई अपने घरों पे मतलब पटाखे फोड़ें तो अच्छे से फोड़ें यार भाई ना, मतलब किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए मेरे भाई ना। देखो बच्चे बच्चे भी रहते हैं आप लोगों के साथ, तो मतलब उन लोगों को भी पटाखों की वजह से कोई नुकसान ना पहुँचे, सब अच्छे से दिवाली मनाएं, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। और महादेव का आशीर्वाद सब पे बना रहे, ऐसे ही हर साल दिवाली आप लोग मनाते रहें। ओके, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में मेरे भाई, ठीक है। जय पिथौरागढ़, जय उत्तराखंड।